जबलपुर निजामुद्दीन एक्सप्रेस का एक वीडियो सामने आया है जिसमें ट्रेन की छत से झरने की तरह पानी बहता दिखाई दे रहा है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसे इंडियन नेशनल कांग्रेस सहित कई यूजर्स ने एक्स पर साझा किया है। वीडियो को लेकर रेल मंत्री और भारतीय रेल प्रशासन पर सवाल उठाए जा रहे हैं और यात्रियों को वर्ल्ड क्लास सुविधाएं देने के दावों पर तंज कसे जा रहे हैं। यह मामला वो हमारी 22181 का है जिसके छत से पानी टपक रहा था। रेलवे को जैसे ही इसकी सूचना मिली, रेलवे ने ट्रेन के उस डिब्बे को अटेंड करवाया है, सागर में भी अटेंड करवाया है, दमोह में भी अटेंड करवाया है, इसके अतिरिक्त झांसी में भी अटेंड करवाया है। आज जब ट्रेन हज़रत निजामुद्दीन में पहुंची है तो उस ट्रेन के उस डिब्बे को स्पेशल रिपेयर, मतलब उसका रिपेयर और मेंटेनेंस हो रहा है, और जब तक उसका प्रॉपर रिपेयर और मेंटेनेंस नहीं होगा तब तक उसको सर्विस में नहीं दिया जाएगा। जबलपुर में लगातार स्कूलों के मामले सामने आ रहे हैं जिसमें कुछ दिन पहले एक निजी स्कूलों में फीस को लेकर बच्चों को प्रताड़ित करने का मामला सामने आया था। आज सेंट्रल स्कूल में दाखिले के नाम पर पैसे लेने का मामला सामने आया है। ऐसे में धोखाधड़ी करने वाले व्यक्तियों के द्वारा किए जाने वाले अनैतिक और नियम विरुद्ध कामों में अभिभावक पैसे देकर खुद को भी इन कामों में शामिल कर लेते हैं। पुलिस से मामले की जाँच कर कार्रवाई करने के लिए कहा है। जबलपुर जिला कलेक्टर ने गणेश विसर्जन को लेकर हिंदू धर्म के धर्मगुरुओं की एक बैठक बुलाई। इस बैठक में आगामी 17 सितंबर को अनंत चतुर्दशी को गणेश विसर्जन का शुभ मुहूर्त है। धर्मगुरुओं ने लोगों से आह्वान किया कि वो शुभ मुहूर्त को ही भगवान गणेश का विसर्जन करें। संतों की राय उपरांत ये निर्णय लिया गया है कि अनंत चतुर्दशी को भी गणेश विसर्जन का कार्यक्रम किया जाए। गणेश विसर्जन 17 सितंबर को आयोजित है। अभी जब शहर शांति समिति की बैठक हमने ली थी, उस बैठक में ये वाला तथ्य सामने आया था कि 17 तारीख के आगे भी 20-21 तारीख तक हमारे यहाँ विसर्जन चलता रहता है अगले 3-4 दिनों तक। तो हमने माननीय साधु संतों को आज आमंत्रित करके उनके विचार जाने, इस बारे में शास्त्रोक्त परम्परा क्या है, शास्त्र में क्या लिखा है, उसके बारे में उनसे जानकारी चाहिए। सभी लोगों ने एक मत से एक बात कही कि श्राद्ध पक्ष में विसर्जन का कार्य नहीं होना चाहिए। तो आज हमको जो गाइडेंस मिला है, इस गाइडेंस को हम समाज तक पहुंचाएंगे। लोगों से अपेक्षा ही करेंगे कि जो माननीय साधु संतों ने एक दिशा निर्देश दिया, एक मार्गदर्शन दिया है, उसके अनुरूप विसर्जन की कार्रवाई करें। तो जो अनंत चतुर्दशी का दिन है, सभी नागरिकों से और जो भी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनसे मेरी अपेक्षा ही रहेगी कि साधु संतों के मार्गदर्शन का पालन करें और जो भी विसर्जन की कार्रवाइयाँ हैं वो 17 दिसंबर को अनंत चतुर्दशी के दिन 17 सितंबर को पूरी करें। गणेश उत्सव प्रकृति का पर्व है और ये गणेश नवरात्र के रूप में हम सब मानते हैं। जिस तरह से प्रतिपदा से लेकर दसवीं पर्यंत तक भगवान की पूजा होती है, दसवीं को ही सभी लोगों को 10 दिन का जो पर्व है अनंत चतुर्दशी के दिन ही इसको विसर्जन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त एक भी दिन नहीं बढ़ना चाहिए, यदि बढ़ते हैं लोग तो उसमें दोष लगता है, उनके जो लोग ऐसा करते हैं तो उसमें अनिष्ट की आशंका रहती है। बीते दिनों जबलपुर में हुए अवैध रेत खनन में 3 लोगों की मौत में आरोपी भाजपा नेता अंकित तिवारी के भाई कान्हा तिवारी और उसके साथियों पर अपने भाई के द्वारा किए गए अपराध के गवाहों को बंदूक की नोक पर अगवा करने और जबरदस्ती बयान बदलने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया गया है। नदी है, वहाँ रेत की खदान लगाई गई अवैध रूप पे और उस रेत पे 3 लोगों की मौत भी हो गई और शासन से कोई मदद नहीं मिल रही, इसलिए हम लोग एसपी ऑफिस आए थे और 3 घायल भी हैं अभी भी। तो ना ही तो कोई मदद मिल रही किसी प्रकार की प्रशासन से, और जो जब्ती हुआ माल था वो अभी भी अवैध रूप से उठाया जा रहा है माल, और प्रशासन कोई मदद नहीं दे रहा है, हमारी कोई साथ नहीं दे रहा है। मैंने स्वयं, मैं जितेंद्र खड़िक बोल रहा हूँ, 100 नंबर पर डायल किया, ऊपर से कॉल भी आती हैं थानों में, तो वहाँ से किसी प्रकार की कोई सुनाई नहीं है। हमारे यहाँ से कटरा से रिंकू है, पवन गुप्ता जी अभी जो उनकी गाड़ी माल उठा रही हैं, और जो भी जब्ती माल था कम से कम 3-350 ट्राली जो भी माल था
वो सारा माल उठा लिया गया है और प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा है। अब बताइए हम लोग घटना कहाँ की? ये सिहुरा तहसील कटरा खमरिया पंचायत है हमारी, खमरिया कटरा पंचायत जी। अवैध खदान की शिकायत जो है आपने पहले किया जी, इसके पहले भी जानकारी और फिर वहाँ पर रॉयल्टी वॉल्टी भी कटती थी तो वो ऐसे ही अवैध रूप से ही रॉयल्टी काटी जा रही है। लोगों की मौत हुई थी? जी तीन लोगों की मौत हुई है, तीन लोग अभी भी घायल, उसमें एक राजकुमार खटीक, मुकेश बैन और उसकी मम्मी थी, क्या नाम था उनकी मम्मी, वो भी बैन ही है। तो मौत कैसे हुई थी, क्या कारण था? जी वो खदान भिसक जाने से उनकी मौत हो गई। तो वो वहाँ पे क्या करने गए थे? वो रेत निकाल रहे थे, मजदूरी कर रहे थे। अच्छा वो वहीं पे काम करते थे? जी। तो उसको हरजाना वगैरह आप लोगों को कुछ भी नहीं मिला? जी कुछ भी नहीं है उसमें, वो शासन अभी यहीं एसपी ऑफिस आए थे कि ये रेत उठ रही है। आपने आवेदन दिया है तो कोई आश्वासन मिला आपको? अभी कुछ भी नहीं। आपने आप अभी एसपी ऑफिस आए तो आपको यहाँ पे क्या आश्वासन मिला? जी बोल रहे हैं अभी कि कार्रवाई होगी, अब जो जैसा भी है। हो गई घटना? ये तीन महीने हो गए। आपका नाम बताइए? जी मेरा नाम जितेंद्र खटी। रहने वाले कहाँ से? जी मैं कटरा खमरिया पंचायत से हूँ। कटवारी हमको मोहल्ले का सहारा कार्यालय ने पिस्टल धर दी हमारे यहाँ और बच्चों से दस्तखत करवा लिए झूठ मूठ कागज में। पिस्टल आपके सर में अड़ाया? हाँ। किस लिए पिस्टल अड़ाया? क्योंकि कागजात के गवाही बल्ट बयान बदल। हाँ। आप जो है जो मृतक हैं उनके कौन हैं? उनके नातन है भी हमारे। आपका नाम क्या है? धनीराम। जो पिस्टल आके आपका बयान बदलवाएं उनका नाम क्या है? अंकित तिवारी। अंकित तिवारी। एक बार और अपना नाम बताइए। धनीराम।